नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हनुमान जी महाराज, दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को सदैव सुखी रखना और उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। समझा जाता है इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कहे गए हैं। यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त है, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। किंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं पर हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया जा सके, आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्ज भार बढ़ता है। जी हां, भूमिपुत्र जो मंगल ग्रह गए हैं, इन्हीं के कारण कर्ज का आभार हमारे जीवन में आता है, कर से आते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन हैं? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय से जैसे तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं तो दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा ये उपाय लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नव विवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए, इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और भी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का यदि समस्या चली आ रही है पहले से, तो वह समस्या तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्ज का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस मछली है, यह भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। यदि आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू हो चुके हैं तो बंद कर दीजिए, यह आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और इस दिन न किसी से आरण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है समर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ कर लेंगे, मंगल देव हनुमान महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, किंतु यदि मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हां बिल्कुल ही पान खा करके धरती में ठोके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं, यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन से कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मां गलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थोपना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं
मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में। जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे, फिर से सभी को कहना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई खास मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई भी खास मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी को समर्पित करना। कोई खास मनोकामना हो तभी उपाय करना है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चूल्हा जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है यदि आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी हो रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो फिर यह उपाय सोने पे सुहागा। जिस दिन हो सके तो उसे सुनना। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन के नियम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नियम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नियम के पेड़ के ऊपर में आपको जो है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और यह उपाय कब करना है, तब करना है जैसे कि आप कर्जे के बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई खास मनोकामना हो या फिर विवाह में विलंब हो रही है। नियम के पेड़ के पास में चमेली के तेल का दीपक जलाए और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्ज का भार हो, इस उपाय को करने के पश्चात कर्जे का आभार उतर जाता है। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी, यदि मंगलवार के दिन प्रवाहित करें कर हो सके तो खंड है, मशहूर है या साफ है। अब यदि आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, इस व्यक्ति को धन वैभव शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दान बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो, यह भी कहा जाता है। इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आप विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपनी बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना, आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो रम ध्वजा जरूर चढ़ाएं, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज प्रार्थना करते हुए चढ़ाए तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन जी, हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को माला पहना है, ऐसा समझा जाता है। इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। खास मनोकामना, यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, यह भी समझा जाता है। हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए गए हो ये उपाय करें या ना करें, परंतु यदि मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जा करके 5 बार यदि आप जो है हनुमान चालीसा का करते हैं या फिर संकट मोचन एयाज तक का पाठ करते हैं तो बड़ी से समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, जितने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुहक है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं, यदि कर्जे से लंबे समय से परेशान है तो रणमोचन एक आता है,
हनुमान जी महाराज का स्रोत आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के बाद से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने करने हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको 21 बार एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है, और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 बार है 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सिर पर कर्ज का भार बढ़ा हो वह धीरे धीरे उतर है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, ये हनुमान आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। संदेह नहीं है, इस बात पर आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें। आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं मुक्ति मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।